हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक एक लेक्चर धीरे धीरे आप देखिए, यूट्यूब पर फ्री है, और अगर आप ऐप में पढ़ना चाहते हैं, ऐप में एक साथ आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, तो अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स को कुछ अलग नजरिए से, ताकि सिर्फ एग्जाम नहीं, हम कहीं इंटरव्यू भी क्लियर कर सके और हमारे दिमाग में आ सके कि थर्मोडायनेमिक्स आखिर होती ही क्या है, पढ़ना ही क्यों है, मेन हमारा मकसद क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना ही क्यों है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के अंदर जाएं, तो ये दो वर्ड से बना है जो कि ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, और ये दो वर्ड है थर्मी और डायनेमिक्स। अब थर्मी का क्या मतलब है? थर्मी का मतलब है हीट। हीट जो है उसके लिए ग्रीक में भाषा में वर्ड है थर्मी, और डायनेमिक्स मतलब है मोशन से रिलेटेड। मोशन, हीट जो मोशन कर रही हो, चलती फिरती हुई हीट। अजीब सा लगता क्या, चलती फिरती मतलब आगे इधर उधर जा रही है, ये मजा आ रहा है भाई, मोशन हो रही है, ऐसा है क्या? तो देखते हैं क्या है क्या। मतलब हीट जब मोशन में हो जाए उसको थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। पहले तो हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और अगर हम बात करें अब हीट एनर्जी है कहां, हीट एनर्जी देखें तो भाई साहब कोयले में है, कोयले के अंदर हीट एनर्जी है, लेकिन इसके अंदर एनर्जी जो है वो हमें मोशन होती हुई नहीं दिखाई दे रही, चलती फिरती हुई नहीं दिखाई दे। देखिए एनर्जी, जिस दिन आप एनर्जी के बारे में समझ गए, जिस दिन आपको एनर्जी इधर उधर दिखने लग गई कि एनर्जी कहां कहां किस टाइप की एनर्जी है। देखो एक तो होती है बुक्स के अंदर दिखने वाली एनर्जी, एक होती है आपको आसपास दिखना स्टार्ट हो जाए, जब आपका पेन हवा में ऊपर लेके जाए तो आपको पता लगे कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, और जब कोई चीज चल रही हो तो आप कहें कि वो काइनेटिक एनर्जी है, और जब कोई जल रही हो चीज आप कहें कि इसके अंदर हीट एनर्जी है। अब पुराने टाइम की बात करें, और मैं इतना कोयला लेकर आऊं और कहूं कि मान लीजिए बहुत सारा कोयला मेरे पास पड़ा है, और मैं कहूं यार ये कोयला तो मेरे पास पड़ा है, मुझे यहां से दिल्ली जाना है, 200 किलोमीटर है, क्या ये कोयला मुझे दिल्ली ले जाएगा? पुराने टाइम की बात करें जब ऐसा कुछ भी इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हम कहेंगे यार भाई साहब कोयला कहां लेके जा सकता आपको, कोयले में क्या ऐसी ताकत है जो आपको दिल्ली ले जाए। अब ये जो चलती फिरती हीट है इसको हमें समझना है, ये हीट के एनर्जी के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लें। डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। हीट और मैकेनिकल एनर्जी के बीच का जो रिलेशनशिप है वो बताए, वो जो ब्रांच है साइंस की वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाती है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे देखो सबसे पहले हम बात करें पुराने टाइम की, जब आदिवासी थे तो हमें तो भाई साहब सबसे पहले तो आग ही नहीं पता थी। जब आग पता लगी कि आग ऐसे जलाई जा सकती है तो हमने सिर्फ खाना बनाया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ नहीं हो गया, आज एनर्जी से क्या क्या नहीं हो रहा, हीट एनर्जी से क्या नहीं हो रहा। हम सबसे पहले बात करें तो जूल भाई साहब थे, जेम्स जूल भाई साहब थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने मैकेनिकल एनर्जी, अगर हम यहां देखें तो उन्होंने एक वेट बांधा, उन्होंने एक पुली लगाई, यहां पे धागा बांधा, धागे को अराउंड यहां पे बांधा, और यहां पे एक पैडल मूव गोल घूमने वाला उसको लगाया, इसका वेट नीचे आया, वेट नीचे आएगा तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहां पे मोशन होगा, एनर्जी मोशन में होगी, यहां वाली एनर्जी जो होगी ये नीचे जाएगा, ये घूमेगा, घूमने के कारण ये घूमेगा, और यहां का पानी का टेम्परेचर बढ़ा के दिखा दिया उन्होंने, मतलब उन्होंने एनर्जी को कन्वर्ट करके दिखाया। हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी को हमने हीट एनर्जी में बदल लिया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। और जूल भाई साहब जो थे उन्होंने ये काम जो है इन 1840 1840 में करा, जेम्स जूल जी ने ये एक्सपेरिमेंट किया। और जितना यहां से देखो सिंपल सी बात है, मास है, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं यहां पे एम जी एच होता है, एम जी एच हाइट कितनी आप पकड़ रहे हैं, ऊपर से नीचे चीज गिर रही है, इसके बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए। यहां पे ये मूव करेगा, मूव करने के बाद यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो हीट एनर्जी हमें मिल गई, ये यहां पे कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद हमारे पास जो भाई साहब, हाँ यार ये चीज
ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ना, मैं खुद हैरान हुआ कि भाई साहब ये ऐसे करके उन्होंने ऐसे किया, ये तो कब से कर रहे थे ऑलरेडी। आप गांव में देखोगे पुराने टाइम में, अब अभी भी कुछ जगह पे आपको देखने को मिलेगा कि वो दूध में डालकर इस तरह से घुमा रहे हैं, वो भी तो यही काम कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वो उनको पता नहीं था कि हम एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेम्स वॉट जी को। अब जेम्स वॉट जी ने क्या किया, यहां पे स्टीम इंजन तैयार किया। अब स्टीम इंजन जो है वो क्या कर रहा है, वो हीट एनर्जी को, वो काम जो कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। उन्होंने मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, इन्होंने हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दिखा दिया। यहां पर हमें एक बहुत ही बड़ी बात समझ आ गई, क्या, कि हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात हमारे दिमाग में आ गई और इसी का फायदा उठाकर हम धीरे धीरे और भी चीजों का आविष्कार करने लगे। अब ये जो बात है कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है, पहली बात एनर्जी है ये समझना, कितनी है ये समझना, इसको बदला जा सकता है ये समझना, और कितना परसेंट बदला जा सकता है इसको समझना, यही थर्मोडायनेमिक्स है। अगर आप कहो कि यार बहुत बड़े चमत्कार हो गए, बहुत बड़े आविष्कार हो गए, अगर हम नेचर को देखें तो नेचर ने भाई साहब ये सब कुछ पहले ही कर रखा है। खाना खाते हैं, हीट एनर्जी मिलती है। आप देखिए खाना जब पचता है, आप देखिए टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। खाना जो खाया है हीट एनर्जी में भी बदलता है हमारी बॉडी में। इवन हमारी बॉडी के जितने हम काम कर रहे हैं, बॉडी से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो भी तो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। ये भी एक इंजन की तरह काम कर रहा है, मतलब ये भी एक इंजन की तरह काम कर रहा है, और विदाउट धुआं छोड़े है ना। किसी किसी का चलो धुआं निकलता ही रहता है, लेकिन है ना। तो मेरे भाई ये इंजन जो है जबरदस्त एफिशिएंसी वाला इंजन होते हैं। ये हो रहा है पहले से और हमें नहीं पता, हमने खाना खाया, हमारे पास एनर्जी है, ये देखो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करूं, ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। आप अपना हाथ ऐसे रगड़िए, टेम्परेचर बढ़ चुका है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कन्वर्ट करते हैं लेकिन हमें नहीं दिखता, दिस इज द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम को समझिए, हमें जब एनर्जी दिखती है तो हम उसको कन्वर्ट करने में बैठ जाते हैं। क्यों क्यों सिर्फ एक ही, भाई साहब इंसान को आराम चाहिए और कुछ नहीं, हमें आराम चाहिए, हमें आराम चाहिए, बस एक ही बात है। पैदल चलते थे, नहीं भाई चला नहीं जाता, गाड़ी चाहिए, बना ली गाड़ी, बैठे हैं आराम से। जो भी मशीनें बन रही है किस लिए, ताकि भाई साहब सिर्फ आप इंसान आराम कर सको, मजे ले सको जिंदगी के। तो हमें बात धीरे धीरे समझ आई, तो हमने यहाँ पे पावर प्लांट बना लिए, आईसी इंजन बना लिए। ये सब जो आविष्कार हुए किसके बेसिस पे, थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे, कि एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। हमने यहां पे कोयला चलाया, कोयले से हमने क्या किया, गर्मी पैदा की, गर्मी पैदा करने से हमारे पास पानी गर्म किया, पानी गर्म करने हमने स्टीम बनाया, स्टीम से हमने क्या आगे टर्बाइन चलाई, हमने इंजन चलाए, हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। यहां पर देखें तो हमारे पास क्या हुआ, पेट्रोल जलाया, पेट्रोल जलाने से पिस्टन चला, पिस्टन से हमारे क्रैंकशाफ्ट चला, क्रैंकशाफ्ट से भाई साहब हमने व्हील चलाई। सब कुछ क्या किया, एनर्जी को कन्वर्ट। बात समझ आ गई, तो हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। लेकिन फिर कहते हैं यार इतना भी क्या पढ़ना, चलो एनर्जी कन्वर्जन ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, वो आती है हम है भूखे, बड़े बहुत बड़े भूखे इंसान जैसा भूखा कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमें पता लग गया कि हीट एनर्जी एक कोयले के पास, मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम कोयला है और आपके पास उसके अंदर 200 जूल एनर्जी है, मान लीजिए ऐसे ही मैं कुछ बोल रहा हूं, कोई मैं स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बोल रहा। हम ये चाहते हैं कि ये 200 की 200 जूल एनर्जी जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, वो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, ये हम चाहते हैं। चाहना अलग बात है लेकिन होना अलग बात है, नेचर ऐसा होने नहीं देती। ये 200 जूल अगर 200 अगर हमारा बदल रहा है और उसमें से सिर्फ 50 जूल भी हमें काम मिल जाए, 150 खराब चली जाए,
50 भी काम मिल जाए, 25% एफिशिएंसी अगर मिल रही है तो बहुत अच्छा मानते हैं हम कि वाह भाई साहब बहुत अच्छा इंजन है। हम ऐसी बातें सोचते हैं कि बहुत अच्छी है यार, बड़ी बड़ी है, बहुत बढ़िया। लेकिन हम चाहते हैं कि 25 से 30 हो, 30 से 35 हो, 35 से 40 हो, ये हम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। और इसी चक्कर में हमने सारी स्टडी करनी है, क्या हो, यहां से लॉसेस ना हो, यहां से एनर्जी निकल रही है यहां रोको, इस एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है इसको रोको, कैसे रोको, क्या करो, कौन सा ही मटेरियल लगाओ, क्या लगाओ, दिमाग लगाओ, ताकि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सके। हम एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, यही थर्मोडायनेमिक का मेन एम रहेगा, मेन एम हमारा यही रहेगा। तो हमारी एनर्जी कन्वर्ट, हमने क्या समझा थर्मोडायनेमिक्स में, जो एनर्जी एनर्जी हीट एनर्जी, जो कौन सी हीट एनर्जी जो है वो चलती फिरती हुई एनर्जी, तो हमने चलती फिरती हुई एनर्जी ऐसे लिख रहे ना, चलती फिरती एनर्जी, इस तरह से एनर्जी जो हिल डुल रही है मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और यही थर्मोडायनेमिक्स में हम सारा का सारा पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरा का पूरा आपको धीरे धीरे एक एक लेक्चर में मिलता रहेगा। लेक्चर नंबर 1 जैसे आपने देखा, इसी तरह लेक्चर नंबर 2, 3 एक सीरियल ऑर्डर में देखना, तोड़ना मत इस ऑर्डर को, आराम से बैठिए, ईयरफोन लगाइए। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का लेक्चर विदाउट एड अगर आप देखना चाहते हैं, एसएससी जेई आरआरबी जेई की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसमें ज़्यादा इजी रहेगा, लेक्चर विदाउट एनी एड और बिना किसी ब्रेक के आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और यहाँ पे सामने ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।